13.3 फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पढ़ना आपको बुक में है, इसको पढ़ेंगे तो क्या क्लियर हो रहा है। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट किया, मेल्ट किया है ना, उस पूरे को क्या किया, गला दिया, और गलाने के बाद बनाया एक सिलेंडर, और जो सिलेंडर मिला आपको उसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सिलेंडर आपने मेल्ट बना दिया, मेल्ट करके। इसका मतलब है दोनों की कैपेसिटी सेम हुई, दोनों की कैपेसिटी सेम हुई, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल, 3 आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4 आर क्यूब। एच आपको फाइंड करना है 4r³/3r² यहां ये गलती नहीं करना है कि काट दें, क्यों, क्योंकि स्फीयर की रेडियस दे रखी है उसने 4.2 सेंटीमीटर और सिलेंडर की रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। इतना करने में वैल्यू शुरू में भी रख सकते हैं, पर इस तरह करने में गलती होने की संभावना कम हो जाती है। 4 × 4.2 × 4.2 × 4.2 / 3 × 6 × 6। एक प्लेन तरीका, इन सब का इंटू करें, इसका इंटू करें, डिवाइड करें। दूसरा तरीका ये है कि इसको पॉइंट हटाया तो 10, 10 एंड 10, ठीक है, 3 से काटा 14, 6 से कैंसिल किया 7, 6 से कैंसिल किया 7, तो H आपके पास आ गया 4 × 14 × 7 × 7/1000। इसको सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप और कैंसिल करना चाहें तो और कैंसिल कर लें, अदरवाइज इसका आंसर आ जाएगा, वो होगी आपकी हाइट ऑफ द सिलेंडर।